हाफिज साहब को अपनी तरफ से दावत देता हूं कि मैं आपके साथ मिलकर चैरिटी जमा करता हूं और जो जो खवातीन रूरल एरियाज में नहीं निकल सकती उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उनको बसों में बिठाकर हम खुद लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे, एजुकेट करेंगे कि भाई आपको जिसको वोट देना है हम अपनी सिक्योरिटी में लेकर जा सकते हैं, जहां जहां मैं जा सकता हूं वहां। और मैं हाफिज साहब से फिर बड़ा एक, मेरी शायद आवाज इस तरह माइक में लग रही हो लेकिन हाफिज साहब से मैं छोटा सवाल पूछना चाहूंगा। हाफिज साहब, पहली बात तो यह कि आपको कसम है आपने मुझे मार भी नहीं समझना और नाराज नहीं होना, पहली बात तो यह, क्योंकि देखें आप नाराज हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा बड़ा क्यूट सा एक सवाल है आपसे, ये बताएं आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में आर्ट्स ही पढ़ाए ना आपने, आर्ट्स में से बैचलर्स किया है? जी हाफिज साहब, क्या क्या मैं नहीं समझा? मैंने क्या बोला क्या कि आपने बैचलर्स जो है आर्ट्स से किया यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से? जी 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 जी। अच्छा, वो को एजुकेशन था, वहां खवातीन थी या सिर्फ लड़के थे? देखिए आप सवाल करें फिर बाद में मैं जवाब देगा। फिर आप देखें मुझे मार भी समझ के नाराज हो रहे, तो आप नाराज बहुत होते हैं सर, पता नहीं आप क्या सी फूड खाते क्या खाते हैं, थोड़ा सा मेरे पे रहम करें, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपके एक साथ सवाल कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि देखें आप जहाँ पढ़ते थे ना वहां पर भी खवातीन आपके साथ होती थी, तो बाज दफा ऐसे इंसिडेंट भी हो जाता है किसी के साथ कि जिसकी वजह खवातीन से पर्सनल नफरत हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि पर्सनल नफरत है जिसकी वजह खवातीन के खिलाफ आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं आप आगे बढ़ते और कहते हैं कि जी हम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और सबको हम आगे लेकर आते हैं और वहां पर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इस पर क्यों नहीं मुहिम चलाते, उनकी 5% वोटिंग क्यों कर रहे हैं आप? चले हाफिज साहब बताइए। देखिए रमशा, बात यह है कि देखिए बार बार वो जो जबान इस्तेमाल करते हैं ना मुझे इश्तियाल में लाने के लिए, उनको ये जबान मुबारक हो, इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ वो जाने, और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। रमशा आप सवाल करें, आप क्या करें? प्यार से और कैसे सवाल करें? हम क्यूट सा सवाल कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए, नाराज मत होइएगा इतना, और किस तरह शाइस्तगी से कैसे बात करें आप बताएं। नहीं नहीं, उसके उसका मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, मैं वकार का मेहमान हूँ, वकार अपना बात करे जो कुछ कहना चाहते हैं। सवाल घूम फिर के वहीं पर ही आ रहा है, देखे एक बहुत सीधी सी बात है हाफिज साहब, यही सवाल लड़ने वाली बात है ना, ये तो क्यों बात नहीं है ना, सवाल के जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूँ।